इंडियन क्रिकेट टीम अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही है और निगाहें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पर हैं। लेकिन इससे पहले इंडियन क्रिकेट और मुंबई इंडियंस के लिए बुरी खबर है। टीम के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अभी तक पूरी तरह से फिट नहीं हुए हैं। ऐसे में उनका इंडियन प्रीमियर लीग और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हिस्सा लेना मुश्किल हो गया है। नमस्ते, मैं शिवम हूं और आप हैं मंच। जसप्रीत बुमराह स्ट्रेस फ्रैक्चर की वजह से पिछले 5 महीने से क्रिकेट से दूर है। आखिरी मैच वो सितंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में खेले थे। बाद में चोट के कारण एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप से वो बाहर हो गए थे और अब IPL और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से उनके बाहर होने के संकेत सामने आ रहे हैं। क्रिकेट जगत में स्टिंग ऑपरेशन में फंसे चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा का बुमराह पर किए गए खुलासे की चर्चा जोरों पर है। क्रिकेट फैंस का कहना है कि बुमराह ने फिट रहने के लिए इंजेक्शन के ज्यादा इस्तेमाल से अपनी बॉडी खराब कर ली है, इसी वजह से उनकी बॉडी रिकवर नहीं हो पा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुमराह का IPL और जून में खेले जाने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी खेलना मुश्किल है। ऐसे में बुमराह अब इस साल के अंत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में वापसी कर सकते हैं। BCCI और टीम मैनेजमेंट ने बुमराह को इस साल अक्टूबर नवंबर में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में वापसी कराने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल जसप्रीत बुमराह नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलोर में रिहैब की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, जहां वो BCCI के स्पेशल ट्रेनर्स और कोच के अंडर में वर्ल्ड कप से पहले पूरी तरह से फिट होने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं अब इंडिया को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप और मुंबई इंडियंस के लिए उनके विकल्प की तलाश करनी होगी। आपको क्या लगता है, बुमराह के बगैर इंडिया और मुंबई इंडियंस खिताब जीत पाएगी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।